नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। मनी गुरु में आज हम आपको बताएंगे क्या हो स्मॉल कैप फंड में निवेश का सही तरीका, क्या स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में निवेश करना फायदेमंद है, करेंगे स्मॉल कैप में एक्टिव और पैसिव स्ट्रेटेजी की खासियत के बारे में खास चर्चा। हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, हेमंत रुस्तगी सीईओ वाइज इन्वेस्ट और प्रवीण वाजपेयी फाउंडर फिनफिक्स। हेमंत जी और प्रवीण दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। और खास चर्चा आज हमारी होगी स्मॉल कैप फंड्स को लेकर, क्योंकि बज काफी ज्यादा क्रिएटेड है आजकल स्मॉल कैप स्पेस में, काफी अच्छा निवेश भी आ रहा है इन्वेस्टर्स की तरफ से। तो अब आगे क्या स्ट्रैटेजी प्लानिंग रहनी चाहिए, इस पर हमारी खास चर्चा रहने वाली है। सबसे पहले स्मॉल कैप कैटेगरी को एक बार समझ लेते हैं। हेमंत जी, स्मॉल कैप कैटेगरी को समझे अगर तो किस तरीके के फंड स्मॉल कैप कैटेगरी में शामिल होते हैं, क्या इसका बेसिक कॉम्पोजिशन होता है, कैसे काम करती है कैटेगरी? इस बात आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है समझने के लिए। देखिए, मार्केट स्टॉक मार्केट के अंदर तीन सेगमेंट है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। और बेसिकली इनका जो सेगमेंटेशन वो होता है मार्केट कैप के हिसाब से। जो टॉप 100 कंपनीज है मार्केट कैप की वो लार्ज कैप है, और नेक्स्ट 150 कंपनीज जो है वो मिड कैप है। मतलब 250 फर्स्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, वहां से लेके पूरा जो बाकी जितनी भी कंपनी है स्टॉक मार्केट के अंदर वो स्मॉल कैप कंपनीज है। यानी जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा सेगमेंट है इन टर्म्स ऑफ नंबर। ऑब्वियसली बिकॉज इतना बड़ा सेगमेंट है तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके बारे में रिसर्च पूरी तरह से नहीं है अंडर नंबर। ऑब्वियसली बिकॉज इतना बड़ा सेगमेंट है तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके बारे में रिसर्च पूरी तरह से नहीं है, अंडर रिसर्च है। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जहां पे लिक्विडिटी के इश्यू हो सकते हैं, बट साथ में ऐसा भी एक सेगमेंट है जहां पे काफी हाई ग्रोथ कंपनीज आपको मिल सकती है। तो आई थिंक जब हम स्मॉल कैप फंड्स की बात करते हैं तो जो उनका यूनिवर्स, जैसा मैंने कहा, 251st कंपनी से बाकी जितनी भी हैं वो है। और अगर हम एक और इसके अंदर अगर हम देखना चाहें उसके सब कैटेगरी, तो फिर जैसे हम कहते हैं कि 250 कंपनीज जो है 251 to 500 वो स्मॉल कैप, और उसके बाद जो 200-250 कंपनियां हैं उनको माइक्रो कैप कंपनीज भी कह सकते हैं, जो अगेन स्मॉल कैप का हिस्सा है। तो काफी बड़ा यूनिवर्स, काफी इंटरेस्टिंग यूनिवर्स, बट ऑब्वियसली उसके वहां पे इन्वेस्ट करने के उसके अटेंडेंट रिस्क भी है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल बाकी दोनों सेगमेंट से यहाँ पे आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं, बट इन्वेस्टर्स को बहुत ही केयरफुली इसके अंदर इन्वेस्ट करना है जिस आस्पेक्ट पे हम बात करेंगे। बिल्कुल, तो कैसे इन्वेस्ट करें, क्या स्ट्रेटजी रखें स्मॉल कैप में, ये हम समझेंगे आगे शो में। स्ट्रक्चर हमने बेसिक समझ लिया स्मॉल कैप का कैसा होता है। प्रवीण, आपसे समझना चाहेंगे अभी एट मोमेंट कितने तरीके के स्मॉल कैप इंडिसेस अवेलेबल हैं भारत में, और किन किन तरीके के स्मॉल कैप इंडेक्स अभी निवेशकों के सामने हैं? नमस्कार स्वाति जी, एंड नमस्कार टू हर्ष जी ऑल्सो। मेरे ख्याल से अभी अगर हम स्मॉल कैप स्पेस को देखें तो हमारे पास करीबन 5 इंडिसेस अवेलेबल हैं जो निवेशकों के लिए, जिसमें से 2 अवेलेबल हैं स्कीम्स के थ्रू इन्वेस्ट करने के लिए। तो जैसे निफ्टी स्मॉल कैप 250 हो गया, निफ्टी स्मॉल कैप 50 हो गया, निफ्टी का हमारे पास स्मॉल कैप 100 भी है। ऐसे ही बीएससी में हमारे पास बीएससी का स्मॉल कैप सिलेक्ट इंडेक्स हो गया, बीएससी का 250 स्मॉल कैप इंडेक्स हो गया। पर इनमें से सारे अवेलेबल नहीं है निवेशकों के लिए। 2 इंडिसीज हैं जो करेंटली स्कीम्स ट्रैक करती हैं, और इन दोनों में जो पहला है वो है हमारा निफ्टी का स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। इसका जो कॉम्पोजिशन है स्वाति जी, ये जैसे अभी हेमंत जी ने बताया कि जो 251st कंपनी है वहां से शुरू होता है और 500 की जो संख्या है वहां तक जाता है न्यूमेरिकली। यानी कि अगर हम निफ्टी 500 के हिसाब से देखें तो 100 कंपनियां हमारी लार्ज कैप की निकल गई, फिर हमारी 150 निकल गई मिड कैप की, जो बची हुई 250 कंपनियां हैं ये हमारा निफ्टी का 250 इंडेक्स बनाती हैं, जिसको हम ब्रॉडली एक स्मॉल कैप का रिप्रेजेंटेशन लेके चल सकते हैं। अगर हम एम्फी का डेटा देखें जो जून में रिलीज करते हैं, 2 साल में 2 बार वो बताते हैं कि कंपनीज का क्या साइज है, अगर तब हम देखें तो जो 251st कंपनी थी उस टाइम पे इमामी थी और इसका मार्केट कैप करीबन 17,000 करोड़ था, और जो 500 नंबर पे जो कंपनी थी उसका स्मॉल कैप उसका मार्केट कैप उस टाइम पे करीबन 5,200 करोड़ था। और अभी हमने जो 2-3 महीने में ही इतना इन्फ्लक्स देखा है स्मॉल कैप में, इस टाइम पे जो टॉप कंपनी हमारे इंडेक्स की है 250 इंडेक्स की, उसका खुद का मार्केट कैप करीबन
31,000 करोड़ हो गया है, यानी कि जो इंडेक्स है बेसिकली वो मार्केट मूवमेंट पे चलता है। जो ये कॉम्पोजिशन है इसमें जैसे जैसे पैसा आता है जिन कंपनीज का मार्केट कैप बढ़ता चला जाता है उनका वेटेज इस इंडेक्स में बढ़ जाता है। और इसको ट्रैक करने के लिए हमारे पास करीबन 6 स्कीम्स हैं। ये इंडेक्स 2016 में लॉन्च हुआ था और इसके टॉप सेक्टर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और केमिकल हो गए। और इसकी अच्छी बात यह स्वाति जी कि बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क नहीं है क्योंकि जो 250 कंपनियों का हमारे पास यूनिवर्स है, यहाँ पे जो टॉप 10 कंपनियां हैं इनका जो एलोकेशन है करीबन 13-14% का ही है। ये हमारा पहला इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो गई इन्वेस्टर्स के लिए। जो सेकेंड इंडेक्स हमारे निवेशकों के लिए अवेलेबल है वो है निफ्टी का स्मॉल कैप 50 इंडेक्स। ये थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो देता है। इन्हीं 250 कंपनियों में से जो डेली एवरेज, जो ट्रेडिंग एवरेज होती है वो टॉप 100 कंपनीज की निकाली जाती है और उसके बाद उनके मार्केट कैप के बेसिस पे इन 50 कंपनीज का चुनाव होता है इस इंडेक्स को बनाने के लिए। इस इंडेक्स में हमारा अगर हम टॉप 10 स्टॉक्स की बात करें तो करीबन 42-43% का कॉम्पोजिशन रहता है टॉप 10 स्टॉक्स का, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन हायर है। और इसमें हमारे पास ट्रैक करने के लिए 3 डिफरेंट स्कीम्स हैं, आदित्य बिरला, एक्सिस और कोटक की हैं, जो इंडेक्स फंड हैं जो निफ्टी के स्मॉल कैप 50 इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं। पर अगर हम रिटर्न्स के लिहाज से देखें तो इन दोनों इंडेक्स में भी बहुत अंतर रहा है। और जब से इन दोनों इंडेक्स की शुरुआत हुई है अगर SIP रिटर्न्स देखें तो निफ्टी 250 स्मॉल कैप ने करीबन 18% का XIRR दिया है जबकि स्मॉल कैप 50 ने 13% का XIRR रिटर्न दिया है। ओके, तो ये हम बात कर रहे हैं अलग अलग इंडिसेस की, जो इंडेक्स है स्पेशली स्मॉल कैप से जुड़े हुए उस पर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अब हम इस तरफ बढ़ रहे हैं कि बेसिकली स्मॉल कैप इंडेक्स जो है, जैसे अभी हम देख पा रहे हैं कि 2018 से अब तक का प्रदर्शन अलग अलग इंडेक्सेस का कैसा रहा है। निफ्टी 50 देखा हमने, निफ्टी मिड कैप 150 है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 है, इनके जो प्रदर्शन रहे हैं इन तमाम सालों में वो क्या बताते हैं, स्पेशली जो अभी तक का 2023 तक का, हम 19 सितंबर 2023 तक का डेटा लिया है, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ने एक्सेप्शनली अच्छा किया है क्योंकि इस साल हमने देखा शुरुआत से अब तक स्मॉल कैप स्पेस में काफी अच्छा जो है वो इनफ्लो रहा है फंड्स का, मिड कैप में भी अच्छा रहा है और थोड़ी सुस्त चाल हम निफ्टी 50 की देखते हैं यहां पर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज प्रदर्शन के लिहाज से। हेमंत जी, जब हम बात करते हैं स्मॉल कैप यूनिवर्स की, हम जैसे पैसिव और एक्टिव इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, यूजुअली देखा है कि लार्ज कैप इंडेक्स में हम देखते हैं कि अगर एक एक्टिव फंड में निवेश नहीं करना तो एक पैसिवली भी हम लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप स्पेस में हम किस तरीके से जो पैसिव इन्वेस्टिंग है उसको अभी निवेशक ले रहे हैं, क्या वो इतनी डेवलप हुई है, क्या वो इतना फ्लरिश हुआ है जिससे कि स्मॉल कैप स्पेस में भी लोग एक्टिव के अलावा पैसिव इन्वेस्टिंग की तरफ रुख करना शुरू करें। देखिए स्वाति, जब हम स्मॉल कैप की बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो आई थिंक अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें और अभी रिसेंटली जो हो रहा है तब भी अगर आप देखें, तो जब भी मार्केट ब्रॉड बेस होती है, मार्केट में रन अप अच्छा होता है, तब इस सेगमेंट में पैसा ज्यादा आता है। तो मैं एक तरीके से कह सकता हूं कि ऐसे फेजेस होते हैं जिसको हम सीजनल कह सकते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स का रुझान थोड़ा ज्यादा रहता है यहाँ पे। जैसे हमने लार्ज कैप में भी देखा है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे लोगों ने अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्से को इंडेक्सिंग करना शुरू किया है। यहाँ पे भी जैसे प्रवीण ने भी बताया, अभी काफी सारे ऑप्शंस हैं इन्वेस्टर्स के पास, एक्टिवली मैनेज फंड भी है, पैसिवली मैनेज फंड भी हैं और डिफरेंट इंडेक्सेस को वो ट्रैक करते हैं वहां पे। हालांकि बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है क्योंकि रिलेटिवली एक नया कॉन्सेप्ट है, बट आई थिंक दो चीजें हैं। अगर आप किस तरह के निवेशक हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। पहली बात तो आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए जब आप स्मॉल कैप में एलोकेशन कर रहे हैं, आप किस तरीके का एलोकेशन कर रहे हैं। आपने जैसे बात की कि पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं कि उसमें जो इनफ्लोज है वो काफी बढ़ रहे हैं, वो जाहिर सी बात है, वो इसलिए होगा कि आप अगर उनकी परफॉर्मेंस देखें 6 महीने पहले, 2022 में अगर आप देखें तो लार्ज कैप ने थोड़ा सा पॉजिटिव रिटर्न दिया था, मिड कैप स्मॉल कैप नेगेटिव थे। इससे पहले भी मार्केट ऐसी फेज में था कि बहुत ही कंसंट्रेटेड कुछ ही स्टॉक्स जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे। तो जब आप उस पीरियड से आते हैं तो क्या होता है कि आपका जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप में ज्यादा होता है और मिड और स्मॉल में वो कम होता है। ऐसे जैसे मार्केट ब्रॉड बेस होती है तो आप वो देखते हैं, बट उस समय पे ज्यादातर निवेशक जो है वो एक्टिवली मैनेज फंड्स को देखते हैं। और अगर आप ऐसे निवेशक हैं जिनको बहुत क्लैरिटी है कि आप कितना एलोकेशन मिड कैप में कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, सिस्टमैटिकली आप इन्वेस्ट कर रहे हैं,
और अपने प्रोसेस को आप सिंपल रखना चाहते हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि स्मॉल कैप में अगर 250 स्टॉक्स हैं तो ऑब्वियसली वो ज्यादा ब्रॉड बेस होगा, क्योंकि क्योंकि जब अगर एक्टिवली मैनेज फंड की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक सिलेक्शन, क्योंकि जैसा हमने पहले भी कहा कि बहुत बड़ा यूनिवर्स है, लिक्विडिटी के इश्यू हो सकते हैं, ग्रोथ के इश्यू हो सकते हैं, अंडर रिसर्च कंपनीज हैं ऑब्वियसली, और इसलिए अगर आप एक्टिवली मैनेज फंड को भी देखेंगे तो वहां पे नंबर ऑफ स्टॉक्स कंपेयर टू अदर कैटेगरी ज्यादा है, ऑन एन एवरेज आपको 75-80 स्टॉक्स वहां पे मिलेंगे और वो इसीलिए किया जाता है। आई थिंक एज एन इन्वेस्टर दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जैसा मैंने कहा अगर आप उसको सिंपल रखना चाहते हो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते हो स्टॉक सिलेक्शन, क्योंकि उन आप एज एन इन्वेस्टर आपके लिए मुश्किल भी हो सकता है देखना किस किस फंड का स्टॉक सिलेक्शन ज्यादा अच्छा है, तो आप इंडेक्स फंड में रह सकते हैं। बट अगर आप देखें परफॉर्मेंस के हिसाब से तो लॉन्गर पीरियड में अगर आप 5 साल की रिटर्न देखें उससे ज्यादा देखें तो ऑब्वियसली एक्टिवली मैनेज फंड ने वहां पे बेहतर परफॉर्मेंस किया है। हर पीरियड में आपको ऐसे फंड मिलेंगे जो एक्टिवली मैनेज फंड ने इंडेक्स फंड से बेटर किया है, बट ऑब्वियसली आपकी सिलेक्शन जो है वो सही होनी चाहिए। तो डिपेंड करता है आप किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को बनाना चाहते हैं। फॉर्चुनेटली आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप दोनों में से जो ऑप्शन आपके लिए सुटेबल हो आप उसको चुन सकते हैं। बिल्कुल, और इसी चर्चा को प्रवीण की तरफ बढ़ाते हुए समझना चाहूंगी कि एक्टिव वर्सेस पैसिव स्मॉल फंड्स की जब बात करते हैं तो क्या एक एक्टिव और पैसिव जो फंड्स हैं उनका एक कंपैरिजन हम देख सकते हैं, अगर हम एक एक्टिव स्मॉल कैप स्कीम के बेस्ट और वर्स्ट रिटर्न्स के जरिए भी समझना चाहें तो निवेशकों को यहाँ पर क्या समझने की जरूरत है स्मॉल कैप स्पेस में, एक्टिव ज्यादा सही है या पैसिव में ज्यादा स्कोप रह सकता है? जी स्वाति जी, यहाँ पे इस जवाब को मैं दो हिस्सों में बांटना चाहूंगी। सबसे पहला हिस्सा हो गया कॉम्पोजिशन जो इन्वेस्टर्स को समझने की जरूरत है। अगर हमारे पास पैसिव स्मॉल कैप फंड है तो हमारी जो क्लैरिटी है कि हमारा क्या यूनिवर्स है वो बहुत हमें शुरू में ही पता चल जाती है कि हमने 250 से 500 तक के आपका जो स्टॉक का कॉम्पोजिशन इंडेक्स का वहां पे आपका निवेश होने वाला है। पर ये इससे बियॉन्ड जाने की जो छूट है वो हमारे एक्टिव फंड्स के पास है, यानी कि वो कुछ स्टॉक्स यहाँ से उठा सकते हैं, वो चाहें तो 600 रैंकिंग पे जो स्टॉक आता है उसको उठा लें, चाहे 5000 की रैंकिंग पे जो स्टॉक आता है मार्केट कैप के बेसिस पे और उसको उठा लें, और उसके साथ साथ उनके पास सिर्फ 65% उनको अपना पैसा स्मॉल कैप्स में लगाना है, उसके बियॉन्ड वो लार्ज और मिड कैप्स में भी लगा सकते हैं। जबकि जब हम इंडेक्स की बात करते हैं तो आपका पूरा पैसा हमेशा स्मॉल कैप्स में ही लगा होगा। तो इस कॉम्पोजिशन को सबसे पहले समझना निवेशकों के जरूरी है। फिर आ गए हमारी परफॉर्मेंस की बात। अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करें, एक हो सकता है कैलेंडर ईयर बेसिस पे। कैलेंडर ईयर बेसिस पे अगर हम स्वाति जी देखें तो हमने देखा है हर साल जो डिफरेंस बिटवीन द बेस्ट एंड द वर्स्ट परफॉर्मर्स इन द एक्टिव स्पेस बहुत ज्यादा ही स्टार्क है। मतलब वहां पे जो बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मर्स के बीच का अंतर है वो 10% से लेके 30% 40% तक भी चला जाता है। 2020 की बात करें तो जो बेस्ट परफॉर्मर था उसका रिटर्न 76% था और जो वर्स्ट परफॉर्मर था उसका रिटर्न 1% था। ऐसे टाइम पे इंडेक्स ने 25% रिटर्न दिया था। 2019 की बात करें तो बेस्ट परफॉर्मर ने 20% का रिटर्न दिया ऑलमोस्ट 21, और वर्स्ट परफॉर्मर ने 23.5% का, और इंडेक्स हमारा डाउन था 8%। तो इसी कैलकुलेशन को अगर हम समझें तो हमने ये ट्रेंड देखा है कि जब मार्केट्स ऊपर जा रही होती हैं तब अक्सर इंडेक्स जो है वो एक्टिव फंड्स को आउट परफॉर्म कर जाता है अगर हम कैलेंडर ईयर वाइज देखें, और जब मार्केट्स टूटती हैं, जब गिरती हैं, तब स्वाति जी इंडेक्स के पास कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, जबकि एक्टिव फंड्स के पास कैश रखने का ऑप्शन होता है, थोड़ा लार्ज कैप और थोड़ा मिड कैप्स उठाने का भी ऑप्शन होता है। तो हमने ये देखा है कि जब मार्केट्स गिरती हैं, अगर हम पिछले 2016 से 2023 के रिटर्न्स देखें तो 3 बार जब इस इंडेक्स ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए तीनों बार एक्टिव फंड्स ने आउट परफॉर्म किया है, पर जब मार्केट्स चढ़ी हैं तो जिन फंड्स ने आउट परफॉर्म किया है वो कम है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है ये थोड़ी डिफिकल्ट होती है, पर ट्रेलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे अगर हम देखें तब भी हमने बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मर्स में काफी अंतर देखा है। पर 10 साल के रिटर्न देखें तो आपका बेस्ट परफॉर्मर ने 31% का रिटर्न दिया है, वर्स्ट परफॉर्मर ने एक्टिव फंड्स में 18% का। तो मेरे ख्याल
से जहां पे निवेशकों का होराइजन 7 से 10 साल का है वहां एक्टिव फंड का चुनाव हो सकता है, पर मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड जिनका 10 साल के बियॉन्ड का पोर्टफोलियो है वहां धीरे धीरे डेफिनेटली मुझे लगता है पैसिव की तरफ मूव करना चाहिए, बट वहां पे उस जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एब्सेंस होता है इंडेक्स फंड्स में, क्योंकि हम कैश नहीं रखते, हम लार्ज कैप और मिड कैप नहीं रखते, उसको समझते हुए ही आगे बढ़ना है। बिल्कुल, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा रहेगी स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की। हमारे साथ हमारे खास एक्सपर्ट बने हुए हैं, देखते रहिए मनी गुरु। स्मॉल कैप फंड क्या सही एक्टिव या पैसिव स्ट्रेटजी, कर रहे हैं खास चर्चा हेमंत रुस्तगी और प्रवीण वाजपेयी से। हेमंत जी, क्या हर किसी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में, खासतौर पर जिनके लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी है, लॉन्ग टर्म की निवेश अवधि है, क्या हर किसी के फंड में, पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड होना ही होना चाहिए या फिर उसका कुछ अल्टरनेटिव भी हो सकता है? क्योंकि कई ऐसे फंड्स हैं, मल्टी कैप फंड्स हैं, फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, जहां पर स्मॉल कैप का एक्सपोजर होता है, या फिर इस तरीके की स्ट्रैटेजी से स्मॉल कैप में एक्सपोजर लेना चाहिए, या फिर एक प्योर स्मॉल कैप जो फंड है वो सही रहता है? स्वाति, अगर हम स्ट्रेटेजी से पहले अगर हम ये, जैसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि क्या हर इक्विटी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप होने चाहिए, मुझे लगता है जैसे हमने पहले बात की जब हमने यूनिवर्स को डिफाइन किया कि स्मॉल कैप का यूनिवर्स बहुत बड़ा है, और इनफैक्ट काफी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज जो है वो सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप में मिलेंगे आपको, बहुत सारे इमर्जिंग सेक्टर्स हैं। तो आई थिंक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली मुझे लगता है स्मॉल कैप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में। सबसे इम्पोर्टेंट इशू ये है कि वो प्रपोर्शन कितना हो और किस स्टेज में हो। देखिए, ऐसे डिफरेंट फेजेस होते हैं आपके आपके पोर्टफोलियो बिल्डिंग में कि आप जब पहले थोड़ा सा फेमिलियर होते हैं इक्विटी से, इक्विटी के जो रिस्क है, अटेंडेंट रिस्क है, पोटेंशियल उसको समझते हैं, तो मे बी उस समय पे आपका जो ज्यादा रुझान हो सकता है वो लार्ज कैप और मिड कैप पे रह सकता है। बट लॉन्ग टर्म में जब आप, मान लीजिए जब हम बात करते हैं बहुत ही लंबे गोल जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की एजुकेशन, जहां पे आपके पास 15-20 इतना साल का लंबा समय आपके पास, तो वहां पे डेफिनेटली जो स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप उसको एलोकेशन वहां पे कितना करें। तो थंब रूल हो सकते हैं एलोकेशन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स के, लेकिन थंब रूल की प्रॉब्लम यह है कि वो आपकी पर्सनल सिचुएशन को नहीं देखता। तो पहली बात तो यह कि एलोकेशन होना बहुत जरूरी है, प्रपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरा किस तरीके से आप उसके अंदर निवेश करें। जैसे आपने बात की कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के लिए इंडेक्स फंड भी है आपके पास, एक्टिवली मैनेज फंड भी है जिनके पास थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन टू डिफरेंट सेगमेंट, तो वो भी है, एक वो तरीका है। दूसरा तरीका ऑब्वियसली यहाँ पे जब आप ये तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो फिर सबसे बड़ा इशू ये आता है कि जब हम बात करते हैं पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की, जैसे मैंने पहले भी बात की कि अगर आप ऐसे फेज से निकले हैं जहां पे मार्केट बहुत नैरो था, सबड्यूड था, तो फिर ये सेगमेंट अच्छा नहीं करते हैं, और कभी कभी ऐसे फेजेस भी हो सकते हैं जहां पे आपको इन सेगमेंट में अपना एक्सपोजर कम करना पड़े। तो जो रीबैलेंसिंग जो होता है वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर आप डायरेक्टली इन इन कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्टेड है। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आप डिसाइड नहीं कर पाते कितना एलोकेशन और डिफरेंट सेगमेंट में, उसको रीबैलेंसिंग कैसे करना और टैक्स एफिशिएंट तरीके से कैसे करना, क्योंकि जब भी आप इसको रीबैलेंस करेंगे तो एक तो टाइमिंग का वो इशू और दूसरा टैक्सेशन का इशू। तो वहां पे फिर मुझे लगता है एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है मल्टी कैप फंड्स। मल्टी कैप बाय डेफिनेशन तीनों मार्केट सेगमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। मिनिमम 25% एलोकेशन तीनों मार्केट सेगमेंट में होना है और बाकी जो है वो फंड मैनेजर की मर्जी है वो कहाँ पे इन्वेस्ट करें, और ज्यादातर फंड जो है वहां पे थोड़ा बायस लार्ज कैप में होता है। तो इसमें फायदा क्या है, अगेन यू हैव टू बी केयरफुल, मिनिमम 25% क्या आप उससे कंफर्टेबल है, पहली बात। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि वहां रीबैलेंसिंग जो है वो ऑटोमेटिकली होगी। तीसरा, जैसे आपने बात की कि आप शुरुआत कैसे करें, इंडेक्स फंड से करें, एक्टिवली मैनेज फंड से। तो आई थिंक ये दो तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कितना एलोकेशन हो आपके पोर्टफोलियो का, और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत लंबा टाइम होराइजन आपको देना है, और सिस्टमैटिकली अगर इन्वेस्ट करें तो फिर ये सेगमेंट जो है वो आपके पोर्टफोलियो में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपकी ओवरऑल रिटर्न को सुधारने में। एब्सोल्युटली प्रवीण, आप अपने पिछले रिमार्क में आपने कहा था कि जिनकी जो निवेश अवधि है वो जैसे 10 साल से ज्यादा है वो एक्चुअली पैसिव स्ट्रैटेजी की तरफ देख सकते हैं स्मॉल कैप स्पेस में।
क्या एक पोर्टफोलियो में एक्टिव और पैसिव दोनों स्ट्रेटजीज विद इन स्मॉल कैप स्पेस रखी जा सकती है, और उसमें भी क्या एक हम डिसाइड एलोकेशन कर सकते हैं कि हमें थोड़ा बहुत एलोकेशन पैसिव स्मॉल कैप इंडेक्स में करना, पैसिव स्मॉल कैप फंड में कर सकते हैं और थोड़ा एक्टिव स्मॉल कैप में कर सकते हैं, क्या ऐसे कुछ स्ट्रेटजी रखी जा सकते हैं? आप सजेस्ट करेंगी अगर एक्टिव रहना है तो गो प्योरली एक्टिव, अगर पैसिव रहना है तो गो प्योरली पैसिव? ये एक्चुअली आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला है स्वाति जी, और ये मैं देख रही हूँ ये कई निवेशकों की भी पसंद है कि हम एक मिक्स ले लें, जैसे इवन मिड कैप्स में कई लोग ऐसा करना चाहते हैं कि एक एक्टिव फंड ले लें और एक पैसिव फंड ले लें। स्मॉल कैप में मुझे लगता है जो हम एक फंड मैनेजर रिस्क बोलते हैं या एक फंड सिलेक्शन रिस्क बोलते हैं वो काफी ज्यादा है, क्योंकि हमने देखा जो परफॉर्मेंस का जो डाइवर्जेंस है दैट इज वेरी स्टार्क। तो जरूरी नहीं है कि निवेशक सबसे अच्छा ही फंड उठा पाए, या जो सबसे अच्छा फंड अगर उन्होंने उठाया है तो उसमें कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस बनी रहे। ऐसे टाइम पे ऑफकोर्स इंडेक्सिंग एक बहुत मेरे ख्याल से फुल प्रूफ और एक आसान तरीका होता है जो इन सारी समस्याओं को एक सोल्यूशन देता है। तो डेफिनेटली निवेशक एक पैसिव स्ट्रेटेजी और एक एक्टिव रख सकते हैं, पर बहुत टेंडेंसी होती है स्वाति जी कि जब हम एक चीज को अच्छा करता नहीं देखते तो हम उससे एग्जिट कर जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि जब मार्केट्स में फॉल होगा तो शायद एक्टिव फंड आपकी फॉल को थोड़ा रोक सकता है, पैसिव फंड ज्यादा गिरेगा। तो अगर कोई निवेशक एक कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं, और हमने बहुत सारे एक्टिव फंड्स के साथ एक ओवरलैप भी चेक किया है जो आपके स्मॉल कैप के इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और जो पोर्टफोलियो के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें अंतर रहता है काफी। तो ये कॉम्बिनेशन की तरफ से एक आप क्यूमुलेटिव ले सकते हैं कि आप एक्सपोजर ले रहे हैं स्मॉल कैप्स को दोनों को मिला के, जो मेरे ख्याल से अगर आप चाहते हैं लेना तो मिनिमम 10% होना ही चाहिए आपके पोर्टफोलियो का। बहुत छोटा एक्सपोजर लेने से कोई भी मीनिंगफुल डिफरेंस आपके रिटर्न्स में नहीं बनेगा, बट इट्स अ गुड स्ट्रेटेजी कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है। एंड जैसे इंडियन मार्केट्स मच्योर होंगी मुझे लगता है, और अगर कल को चल के कभी से भी स्मॉल कैप्स का यूनिवर्स को डिफाइन थोड़ा छोटा कर दें, जैसे अगर वो ये बोलें कि जैसे उन्होंने लार्ज कैप को टॉप 100 स्टॉक्स कर दिया है, अगर कल को वो स्मॉल कैप्स को सिर्फ 250 या 500 स्टॉक्स तक लिमिट कर दें, बाकियों को माइक्रो कैप कर दें, तब हम डेफिनेटली देखेंगे कि पैसिव फंड्स की परफॉर्मेंस ज्यादातर बेटर होगी। तो मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी, और ये किसी तरीके के रेगुलेटरी रिस्क को भी ओवरकम कर सकती है अलॉन्ग विद फंड सिलेक्शन रिस्क। बिल्कुल बिल्कुल, तो स्मॉल कैप फंड्स को हमने समझा, एक्टिव स्ट्रेटजी, पैसिव फंड्स स्मॉल कैप में कैसे आप इसे अपने पोर्टफोलियो में एलोकेट कर सकते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हेमंत जी, प्रवीण, आप दोनों का बहुत धन्यवाद करेंगे। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।